हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करेंगे आज आपका सर डे 7 एफआई बीकॉम सेमेस्टर 1 कॉमर्स 1 के बारे में बात करेंगे। डे 7 आज भी दो क्वेश्चंस हम लोग ने पिक किया, जैसे कि हर एक वीडियो में हम लोग हर एक डे की जो आपकी वीडियो मिली उसमें दो क्वेश्चंस हम लोग पिक करते हैं। और ये है आपका यूनिट नंबर टू, और आज आपका ये 15 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी तक जो आपको लेक्चर्स मिले हैं यूनिट 1, यूनिट 2, थर्ड, फोर्थ का अभी तक हम लोग ने कोई सीरीज नहीं किया। मतलब कोई किसी भी डे में डे 4 के क्वेश्चंस को इंक्लूड अभी तक नहीं किया है। क्लियर, बात करेंगे, ध्यान से देखना। यूनिट 2 आपका पूछा जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 का ये मान के चलो कि आज डे 7 में यूनिट 2 के कंप्लीट क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। यूनिट 2 को आपका 15 क्लियर हो गए, यूनिट 1 को अभी आप छोड़ दो, यूनिट 3 की बात मत करो। 1 क्लियर, इसके बाद हम लोग पहले यूनिट 3 या फिर 1 पहले कवर कर लेंगे, कि हमारा सर 15 पहले कवर हो जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4। तो डे 10 तक ट्राई करेंगे कि आपका 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आप छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के 60 मार्क्स का सर हमारा पेपर कवर हो जाना चाहिए। क्लियर, ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करोगे तो 80 हो जाएगा, 20 रिमेनिंग हो जाएगा। तो ट्राई करेंगे जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवा दे। टॉपिक है इजी टॉपिक्स में से एक है हमारा सर एजुकेशनल इन्वायरमेंट। जैसा कि हम लोग को एजुकेशन पता है भाई, एजुकेशन जो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी डिग्री लेवल में है, तो आपका जो एजुकेशन बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखना है। जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा, काफी अच्छे बोल रहे सर कि कितना मीनिंग पार्ट हमको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, आपको यहीं से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट था जो मैं क्लियर कर दूँ। ये पहले उनका डाउट था ये कि सर एजुकेशन इन्वायरमेंट का इस तरीके से देखोगे आप पेज नंबर 108, पहला तो प्राइमरी एजुकेशन का हमारा दिया पहले से पांचवी क्लास तक का जो रहता है, सेकेंडरी सर हमारा दिया 10th क्लास तक जो रहता है पांचवी से 10वीं क्लास तक, उसके बाद हायर सेकेंडरी 11वीं और 12वीं वाले बच्चे जो रहते हैं, हायर एजुकेशन में हम लोग आ जाते हैं आप लोग आ जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल हमारा आ जाता है, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन अलग होता है, हर एक फील्ड के जो प्रोफेशनल एजुकेशन होते हैं वो अलग होते हैं। इस तरीके से दिया तो सर मीनिंग उतना डिटेल लिखना है क्या, नहीं आपको सीधा थोड़ा सा लिंक देना है, क्योंकि टॉपिक है सर एजुकेशनल इन्वायरमेंट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। मतलब एजुकेशनल बिजनेस का क्या इफेक्ट डालता है, मतलब एजुकेशन अगर आपके पास है तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट डालेगा, यूजफुल होगा क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कहानी। तो ध्यान से देखना, बिजनेस करने के लिए बिजनेस जो भी बिजनेसमैन है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर कोई बिजनेसमैन बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगा, ये आप लोग को भी पता है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि बड़े बड़े ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हाँ ये है कि अच्छा बिजनेस वो सेटअप किए हैं। तो सर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्या बिजनेस के लिए, बिल्कुल कुछ फैक्टर में है, कुछ इंपैक्ट जरूर डालते हैं हमारे बिजनेस पे, क्या क्या है उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्योंकि हम लोग जब बिजनेस के बारे में, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो तो चलो ठीक है क्वालिफाइड नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, बट उनके अंडर में जो काम करने वाले हैं, उनको अच्छे से डील करने वाले, उनकी कंपनी को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल मतलब एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग लगे हुए हैं। जैसे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग एक्सपर्ट को हायर करते हैं सीए को, या फिर सीए के अंदर जिसने प्रैक्टिस किया उनको हायर करेंगे। क्लियर, ऑडिटर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, इस तरीके से आपको पता होगा। मैनेजमेंट के लिए लोग क्या करते हैं सर, मैनेजमेंट जिन्होंने अपनी स्टडी को मैनेजमेंट से किया है उनको हायर करेंगे। फाइनेंस के लिए सर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले फील्ड के, मतलब हर एक फील्ड में आप देखोगे जो भी एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट मीन्स क्या सर, जो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है, उन्हीं को हायर करते हैं। अगर वो हायर किए तो उनकी कंपनी कॉमन से प्रोग्रेस करेगी, अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से एक्सपांड करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है। क्लियर, उसी के बारे में डिटेल्स है सर। एजुकेशन इज वेरी यूजफुल टू इंप्रूव, ये ऐसा नहीं बोला गया कि बिजनेस आप कर ही नहीं सकते अगर पढ़े लिखे नहीं हो, बट हाँ ये है इंप्रूवमेंट है भाई, वेरी यूजफुल टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किसके टर्म्स सर, क्वालिटी के भी एंड क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला सर, सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ पीपल वर्किंग ऑन इट।
कॉमन है, जो सक्सेस है किसी भी बिजनेस का किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन तो एक ओनर होता है भाई, बट उसके अंडर जो काम कर रहे, जो वर्क कर रहे, काम करके दे रहे ना, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने जैसे एग्जांपल आपको पहले दिया कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा टर्नओवर है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उनका एम्पायर है, बट उनके अंडर काम करने वाले कॉमन से सिर्फ वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं, और उन्हीं के बेस पे उनकी कंपनी का ग्रोथ एंड सर्वाइवल डिसाइड होता है। वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस एंड डेडिकेशन वर्कफोर्स, कॉमन से अच्छी सी ट्रेनिंग आपको चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और अपने वर्क को लेकर सर डेडिकेशन चाहिए, कैन फेस चैलेंजेस इन द बिजनेस सक्सेसफुली। अगर ये सब चीजें हैं तो बिजनेस आपका इजी तरीके से सक्सेसफुल होता रहेगा। क्वेश्चन आपको आएगा सर, एजुकेशनल एनवायरमेंट इंपैक्ट ऑन बिजनेस, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे इसके बारे में। पहला पॉइंट बहुत टाइम सुनते आ रहे सर, इनोवेशन एंड क्रिएटिव आइडियाज, कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप नए नए मेथड्स, नए नए कॉन्सेप्ट करना चालू करते हो। जैसे जब भी इनोवेशन की मैं बात करता हूं तो न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया आता है भाई, नया आइडिया आपके माइंड में आएगा, नई नई कॉन्सेप्ट आएंगे, न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया आएगा, और नया एंड बेटर प्रोडक्ट आएगा, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट आएगा, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी आता है भाई, कॉस्ट में आपके रिडक्शन भी करते हैं। कब होगा सर? जब आपका एजुकेशन रहेगा, उस फील्ड के आप एक्सपर्ट बंदे होते हो, तो कॉमन से बिजनेस के उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो तो हमेशा इनोवेटिव नेचर के आप रहते हो। नेक्स्ट सर, हायर एफिशिएंसी, कॉमन से आप एक्सपर्ट हो तो एफिशिएंसी लेवल आपका क्या रहेगा सर? हाईएस्ट होगा, मीन्स मैक्सिमम होगा, आप अच्छे से काम करके दोगे, अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे अपने रिसोर्सेज को। नेक्स्ट सर, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आती है, आपको क्योंकि स्टार्टिंग से जैसे मैनेजमेंट की स्टडी जो करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस किया जाता है, किस तरीके को लोगों को मोटिवेट करना है, किस तरीके से लोगों को डायरेक्शन देना है, किस तरीके से उनके साथ टीम रिलेशन बना के रखना है, कस्टमर के साथ में, अपने एम्प्लॉयज के साथ में, तो ये सब क्या किया जाता है सर? ट्रेनिंग किया जाता है भाई, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर फिट की जाती है भाई मैनेजमेंट वालों को, और बहुत सारे हर एक फील्ड, मार्केटिंग फील्ड हो गया, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो डील करते हैं, इस तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए। कब होगी सर? जब आपको प्रॉपर एजुकेशन मिला है, ट्रेनिंग अच्छे से मिली है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी ये चीजें पॉसिबल होती है कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर दिखती है। नेक्स्ट सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए भाई, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे आप मार्कर का ले सकते हो कि ये मार्कर अब चल गया, तो कंपनी के जो भी मैनेजमेंट हो या फिर जो एजुकेटेड जिस फील्ड पे आप हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो या फिर सेल्स मैनेजर, या मतलब कोई भी मैनेजर का आप मान के चलो, प्रोडक्शन मैनेजर की जैसे आप मान के चलो एग्जांपल, ये अच्छा मार्केट आपका कैप्चर हो गया ये ब्लैक मार्कर वाला, तो आप क्या करोगे सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे भाई। अब इसके आगे भी देखते भाई, इस प्रोडक्ट में क्या चेंज कर सकते हो, या फिर इसके आगे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंपनी ने क्या बोला, रेड मार्कर का यूज करके देख लेते हैं सर, ब्लू मार्कर का यूज करके देख लेते हैं कि भाई क्या मार्केट है, तो हमेशा इनोवेटिव नेचर के हो जाते हैं। कब पॉसिबल है सर? जब आपको अच्छी नॉलेज है तो हमेशा न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भाई, हमेशा प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं देखना, हमेशा प्रॉफिट की सोचोगे तो कैसे काम चलेगा, अपने सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना, मतलब कस्टमर्स को ही फोकस, सिर्फ बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है प्रॉफिट, बट ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट ही देखना, आपको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका ये भी होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसके बाद और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात होती है भाई, समाज के लिए भी कुछ काम कर दिया करो, कुछ अच्छे काम कर दिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका इंप्रूवमेंट इन वर्क कल्चर, कॉमन्स है, जैसा मैंने पहले बताया अगर आपके पास एजुकेशन है तो लीडरशिप क्वालिटी है, तो वहां पे अपने एम्प्लॉई के साथ में, अपने लोगों के साथ में कैसा रिलेशन बना के रखना है, टीम वर्क कैसे हमारी क्रिएट करना है, कैसा प्रॉपर डायरेक्शन उनको देना है, कैसे अच्छे तरीके से काम करवा के उनसे लेना है, ये सब चीजें हमको सिखानी पड़ती है। हायर एफिशिएंसी तभी तो पॉसिबल है भाई, तो इससे लोगों के काम करने में इंप्रूवमेंट क्रिएट होता है, क्लियर है क्या? जैसे सपोज मैं बात करता हूं, कुछ बच्चों को अभी तक कैसे कितना प्रिपरेशन करना है, क्या प्रिपरेशन करना है नहीं पता था, जब मैंने आप लोगों को गाइड किया भाई, पर डे हर डे में कितने क्वेश्चन आप करो, दो क्वेश्चन में भी बहुत काम आपको नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है मीनिंग डिफाइन कर लो, उसके बाद जो पॉइंट्स आपके हैं उसको प्रेजेंटेशन करना सीख लो, केटी इजी क्लियर हो जाएगा, बट हाँ ये है कि 100% आपको काम करना पड़ेगा उस पर जो आपको बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन दे दिया भाई, किस तरीके से काम करो, तो आपने भी क्या किया, या फिर बहुत सारे बच्चे जो सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो प्रॉपर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना, अच्छा से 100% अपना एफर्ट देना चालू कर दिए, तो उनके काम में मतलब आपके वर्क
क्वालिटी में क्या दिखेगा सर, इंप्रूवमेंट दिखेगा, और इंप्रूवमेंट दिखेगा तो रिजल्ट आपको केटी क्लियर का दिखाई देने वाला है। क्लियर है? तो सेम कंपनी में भी ऐसा होता है कि अगर उनका मैनेजर अच्छा है भाई, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, प्रॉपर आपको डायरेक्शन दे रहा है, प्रॉपर आपके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा है, तो ये सब चीजों से वर्क में काम में इंप्रूवमेंट आपको दिखता है। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग कॉमन है, एजुकेटेड हो भाई तो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग लोगे, चाहे वो रिसोर्सेस को लेके या फिर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे रिसोर्सेस कोई भी आप एक एग्जांपल समझो, कंपनी को फंड बहुत सारे ऑप्शन से मिल सकता है सर, बैंक लोन से मिल सकता है, इक्विटी शेयर से मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर से मिल रहा है, डिबेंचर से मिल रहा है सर, बॉन्ड से मिल रहा है, तो कहां से ले? जब आपको परफेक्ट नॉलेज होगा, जब आपको परफेक्ट नॉलेज होगा तो आप डिसाइड कर सकते हो भाई कि राइट सोर्स ऑफ मेरा फंड कहां पे है। क्लियर है कि नहीं है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब आपके जो भी डिसीजन होंगे वो क्वालिटी क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होंगे, चाहे वो फाइनेंस को लेके है, चाहे वो फंड हो गया फंड को लेके है, या फिर कोई भी एक्टिविटी को लेके है, तो जो डिसीजन रहेंगे क्वालिटी टाइप से रहेंगे सर। नेक्स्ट आ गया मेन भाई प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशन भाई जब आप एक्सपर्ट हो, एजुकेटेड हो, यही तो लॉजिक आपका चल रहा है। एजुकेशन बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस, जब आप कॉमन से एजुकेटेड भी हो, कोई अच्छा बिजनेस सेटअप कर रहे हो या फिर आपके अंडर काम करने वाले बंदे हैं, तो कॉमन से भाई उनके अंदर प्रोफेशनल उस चीज के एक्सपर्ट है भाई, एक्सपर्ट आए हैं, अच्छे से ट्रेनिंग मिली है, एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी उनके स्किल्स है, तो कॉमन से है प्रोफेशनल बंदे हैं, प्रोफेशनल काम करके देंगे आपका। तो ये सब पॉइंट्स आप देख सकते हो। एजुकेशनल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, मतलब जो भी एजुकेशनल का हमारे इन्वायरमेंट है इम्पैक्ट करता है बिजनेस में काफी कुछ केसेस में, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, बार बार हर एक डे में मेंशन करता हूं हर एक बच्चे को मीनिंग मीनिंग पार्ट या फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एंड पॉइंट्स को अपने तरीके से अपने मेथड से। ऐसा कंपलसरी नहीं कि यहाँ का मेथड ही कॉपी करो, आप अपना मेथड से प्रेजेंटेशन करना सीखो और उसके बाद कॉन्सेप्ट, इसीलिए थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, बहुत डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम उतना है नहीं और आप लोग उतना कवर करोगे नहीं, इसके लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जाता है भाई, मीनिंग थोड़ा समझ में आ जाए, पॉइंट्स क्यों इसमें आए वो रीजन समझा दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि हर एक बच्चा अपने वर्डिंग में थोड़ा सा लिख पाए उस सेंटेंस को, उस टॉपिक्स को। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है सर? इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस विथ वेरियस एनवायरमेंट, मतलब सिंपल सा बोल रहा है भाई, बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है क्या? अगर है तो कौन से टाइप्स के एनवायरमेंट? तो कॉमन से सर बिल्कुल है, बिल्कुल एनवायरमेंट पे बिजनेस का इफेक्ट पड़ता है भाई, डिपेंड है। बिजनेस एंड एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर दी सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर अच्छी ग्रोथ आपको चाहिए, कंटिन्यू आपको ग्रोथ चाहिए, तो कॉमन से बहुत सारे एनवायरमेंट हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस का। चलिए बात करेंगे पहला। अब ध्यान रखना कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा देना, अगर सपोज इस तरीके से दे रहे हो, ये तो मैंने सिंपल सा एक बॉक्स टाइप में दिया, अभी आपको ये सब नहीं लिखना है जो मैंने ये लिखा है ना, ये तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये लिखना, ये तो बस आपको एक कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल उस पॉइंट्स का मैं लिख के बैठा हूं कि आपको समझ में आ जाए उस पॉइंट्स में क्या है डिटेल्स थोड़ा सा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट सर टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जो हमारे क्लासेस वाले बच्चे हैं, कोचिंग वाले बच्चे हैं, बच्चे रे सर हैं, पहले क्या होता था, पहले सर अगर याद है या फिर पता है आपने बचपन में देखा होगा सर, पहले ब्लैक बोर्ड आता था, तो ब्लैक बोर्ड भी कहीं कहीं और बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कोचिंग्स में अवेलेबल नहीं होता था, तो क्या किया जाता था सर, दीवार को ब्लैक कलर में क्या करते थे, कलर कर देते थे, ऐसा पहले होता था। फिर आया सर प्रॉपर ब्लैक बोर्ड आया, ब्लैक बोर्ड के बाद सर आया हमारा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड फिर ग्रीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड से अब आ गया डिजिटल बोर्ड, तो ये क्या हो रहा है सर, प्रोजेक्टर भी आ गया आपने देखा, तो ये क्या हो रहा है, पढ़ाया वही जा रहा है बट चेंजेस हो रहा है भाई, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुआ है तो वैसा आप देख रहे हो। क्लियर है कि नहीं? और अब ऐसा टाइम आने वाले में हो जाएगा कि जो ऑफलाइन बिजनेस थे हमारे, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह जो चल रही थी उसमें काफी
डिक्रीज हो जाएंगे, बच्चे ऑनलाइन के थ्रू ज्यादा पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो ये इनोवेशन है भाई, न्यू टेक्नोलॉजी, इट सेम मार्केट में होता है वो हर एक फील्ड में। आप देखो पहले काम कैसे होते थे और अब काम कैसे हो रहे हैं। सर टेक्नोलॉजी साइंस ने इतना इंप्रूवमेंट कर दिया कि न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है, तो वो कंपनी क्या करती है उसको फॉलो करती है। तो मतलब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट बिजनेस पे इफेक्ट डालता है भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमेशा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, हमेशा कुछ नया आएगा, पुराने वाले से बेटर आएगा, तो ये इंप्रूवमेंट डालता है। तो भाई न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी कॉमन से आप देख रहे हो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, हर एक फील्ड में आप देख सकते हो, हर एक फील्ड में पहले कैसे होते थे और अब कैसे हो रहे। आप जो घर में देख लो, घर पे देख सकते हो, या फिर आप बाहर के कोई सेक्टर को आप देख लो, तो हर एक पैटर्न देखो चेंजेस कितना हो रहा है। बचपन में कैसे थे, मतलब वो सब काम कैसे होता था, और आज के टाइम में कैसा हो रहा है, कितना इनोवेशन आ गया भाई, कितना टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया, तो ये भी इंपैक्ट डालता है आपके बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं सर सोशल कल्चर की बात करते हैं। तो देखा रहेगा बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस, बहुत सारे बड़े बिजनेस क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी फेस्टिवल का टाइम आ गया तो क्या करते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना एडवर्टाइजिंग कराते हैं। देखा रहेगा आप लोगों ने कॉमन सा, जब नवरात्रि का टाइम आ जाता है, गणेश उत्सव का टाइम आ जाता है, इस तरीके के फेस्टिवल देखा रहेगा आपने, क्योंकि लोग जो रहते हैं फेस्टिवल से काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो लोग बिजनेस वाले क्या करते हैं भाई, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके, कुछ कंट्रीब्यूशन करके उन्होंने क्या किया, अपना प्रमोशन भी वहां पे करा लिया, मीन्स एडवर्टाइजिंग भी आपका करा लिया अपना, तो ये सब हो गया बेनिफिट्स। तो इसका मतलब सर बिजनेस जो है हमारे सोशल कल्चर से भी रिलेटेड है, तो ये फेस्टिवल इसीलिए मैंने लिख के रखा है ताकि आपको समझ आए कि सर इसमें क्या एग्जांपल्स हमने सेटअप किए थे। नेक्स्ट सर डेमोग्राफिक कुछ ऐसा सेटअप होता है क्या? बिल्कुल होता है। बिजनेस भाई डेमोग्राफिक के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है कि आप अपना किस नेचर का आपका बिजनेस है और आपने कहाँ पे सेटअप किया है भाई। अब जैसे हमारे अर्बन में शहर एरिया की बात होती है, गांव साइड की जब बात होती है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हमारे गांव साइड में अब आ रही है, और मोस्टली क्योंकि सर अर्बन में तो पहले से ही डेवलप है ना, शहरी एरिया में आप देखोगे तो वहां से सर पहले ही डेवलप है, हर एक चीज अवेलेबल है। तो बहुत सारे जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे हमारी जो मुंबई सिटी है डेवलप हो चुकी है, तो मुंबई से सब कहाँ पे जाना चालू कर दिए सर, हर एक बच्चे को पता होगा कुछ साल पहले, मीन्स आज से 4-5 साल पहले सब शिफ्ट होना चालू कर दिए सर, वहां से बदलापुर हो गया, अंबरनाथ हो गया, ये सर एग्जांपल्स आप समझो, वहां शिफ्ट हो गए। अब वहां पे देखो आप डेवलपमेंट होना चालू हो गया, तो वहां पे बिजनेस बहुत लोग सेटअप अपना कर रहे हैं, बहुत लोग इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि वो लोग डेमोग्राफी का एग्जांपल आप समझो शॉर्ट में क्या है कि वहां मुंबई में तो पहले से ही है सर बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस है, बहुत अच्छा सेटअप है, सब चल रहे हैं, और वहां पे हम लोग को स्टार्ट करना अब बिजनेस पॉसिबल नहीं क्योंकि कैपिटल बहुत लगने वाला है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि नई जगह शिफ्ट हो रहे भाई, जहां पे आने वाले टाइम पे भी डिमांड पढ़ने वाली है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट आप समझो कैसे होने वाला है, और आपके आसपास भी ये सब चीजें होती है कि लोग देखते हैं भाई किस एरिया में किस टाइप का बिजनेस चलेगा। और एग्जांपल समझना तो आप समझ सकते हैं, जो कॉलेज हमारे होते हैं कॉलेज के आसपास आपको कैंटीन फैसिलिटी आपको ज्यादा दिखती है, मतलब रेस्टोरेंट्स आपको ज्यादा दिखेंगे, पेंटिंग एंड स्टेशनरी की बुक्स वगैरह की दुकान आपको ज्यादा दिखने वाली है। तो ये सब क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहां पे भाई हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, वहां पे हमारी बिजनेस क्या होने वाली है, अच्छे चलेंगे, हमारी डिमांड अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट है बिजनेस का रेगुलेटरी सेक्टर पे, मीन्स एनवायरमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लॉ एंड एक्ट की बात होती है। रेगुलेटरी की बात करेंगे तो लॉ एंड एक्ट आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंड होके आया है। तो ये सब पार्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो आपके बिजनेस पे कॉमन सा इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस किसी भी नेचर का आप बिजनेस आप सेटअप करने जाते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए सर कि ये बिजनेस करने के लिए मुझे कौन से रूल्स कौन से एक्ट लगने वाले हैं, मीन्स गवर्नमेंट के जो भी लीगल एक्टिविटीज है क्या क्या हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस का इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर से, हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर वाली कंपनी यहाँ पे भी आती है। क्लियर है सर? और बहुत जगह पे आपने देखा रहेगा मर्जर का भी सिस्टम होता है, जॉइंट वेंचर का भी सिस्टम होता है, मतलब सर बाहर वाले का जो भी कंपनी जाते हैं ना उसके साथ हम लोग टाई अप कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि हमको भी फायदा होता है, सामने वाली कंपनी को भी बेनिफिट्स होता है। सेकेंड चीज, अगर कंपनी हमारी छोटी है, सामने वाली की कंपनी ऐसी बड़ी कंपनी है, तो आपको बहुत कुछ वहां से सीखने भी मिलता है, किस लेवल का प्रोडक्ट है, क्या नेचर है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी प्लान्स एंड पॉलिसीज चल रही है। क्लियर? बिल्कुल। बहुत मतलब
काफी सारे एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल समझा। नेक्स्ट हमारा आता है सर बिजनेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी इंपैक्ट डालता है हमारे बिजनेस पे। जैसे सर कोई पार्टी आई, पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कुछ नया रूल्स रेगुलेशन कानून लेके आ गए, तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है सर? बिल्कुल पड़ता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट आया तो उन्होंने क्या लाया सर? जीएसटी लाया। जीएसटी लाया तो उससे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा क्या सर? बिल्कुल बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए बिजनेसमैन भी चाहते हैं सर मींस बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कोई पॉलिसी जल्दी नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए तो उनके फेवर में होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया मैंने कि जब जीएसटी आया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा लोगों को समझने में। पहले तो समझने में प्रॉब्लम हुआ, तो उसके बाद समझ गए तो काफी कुछ कॉन्सेप्ट उनके फेवर में गया और कुछ लोगों को फेवर में नहीं गया, दोनों केस हो सकता है। तो बिजनेसमैन सोचते हैं कॉमन से पॉलिटिकल जो भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब स्थिरता रहनी चाहिए, भाई एक ही पार्टी के लोग रहने चाहिए, तो बार बार सेम कॉन्सेप्ट पे न्यू हमारा बिल तो आएगा नहीं, न्यू एक्ट तो आएगा नहीं। अब पार्टी जैसे चेंज होगी तो पुरानी जो पार्टियां बिल लेके आ रही थी, एक्ट लेके आ रही थी, तो उनको क्या करते हैं सर? कैंसिल करते हैं। तो इसका इसका रीजन किसको दिखेगा सर? बिजनेस पे दिखेगा, बिजनेस पे इसका इंपैक्ट दिखता है। नेक्स्ट हमारा सर नेचुरल प्राकृतिक नेचुरल का बिजनेस, नेचुरल एनवायरनमेंट का बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है क्या सर? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, आप समझो जितने भी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल लग रहा है, वाटर लग रहा है, या फिर आप कोई भी मतलब रिसोर्सेज जो भी लगने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी है वो तो लिमिटेड है, आपको भी पता है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से, बहुत सारी फैक्ट्रियों की वजह से हमारा नेचर क्या हो रहा है सर? नेचर गंदा हो रहा है, कॉमन से पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन आप देख सकते हैं, वाटर पोल्यूशन आप देख सकते हो, बहुत सारे टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है कि कहाँ पे आप इंडस्ट्री नहीं ओपन कर सकते हो, कहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। जैसे कुछ केसेस में आप देख लो कि रेसिडेंशियल एरिया में आप नहीं ओपन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालती है सर? बिल्कुल डालते हैं, हमारी जो भी फैक्ट्रीज होती है, जो भी इंडस्ट्रीज होती है। तो मतलब हमारा बिजनेस नेचुरल इन्वायरमेंट से भी इंटर डिपेंडेंस है। लास्ट पॉइंट हमारा सर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की जब बात होती है, देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ऐसा नहीं। तो एक से दो एग्जाम्पल्स में लेके रखो कि हर एक कॉन्सेप्ट आप समझो। जो भी हमारी जैसे सपोज कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक होगी, एक इंटरनेशनल होगी, भाई बाहर की कंट्री आ गई, बाहर की कंट्री का कोई बिजनेसमैन यहाँ पे बिजनेस कर रहा है और एक हम बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, अपने जो डोमेस्टिक वाले भाई, जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग में सिर्फ इंडिया वाले हैं ना, उनको सपोर्ट करती है, उन पे टैक्स रेट कम चार्ज करती है, और जो बाहर की कंट्रीज है उस पर टैक्स ज्यादा चार्ज करती है। इसका रीजन ये है सर कि गवर्नमेंट अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहती है कि भाई आप सपोर्ट करो। जैसे सपोज मान के चलो आप लोगों का टैक्स आपका 25% है तो इनका 40% रहेगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी कंपनी का टैक्स रेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टैक्स रेट अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, पहले 25 था, उस बेस पे मैंने लिखा है 25 पहले था, और बाहर वाली कंट्री का कितना था सर? 40%। तो इनसे टैक्स गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्यादा चार्ज कर रही है। क्यों कर रही है सर? आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो हर एक कंट्री करते भाई अपने लोकल, अपने डोमेस्टिक लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। किस लिए सर? इसीलिए। और सपोज यहाँ की बहुत सारी कंपनीज है जो बाहर कंट्री में है, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं टैक्स में, उनको भी सपोर्ट करते हैं फंड प्रोवाइड कराने में, ताकि इंडिया की जो कंपनीज है भाई बाहर पे अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो इंडिया को ही बेनिफिट होगा, इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। क्लियर सर? बिल्कुल। हर एक कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक यफ़ बीकॉम वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी कॉमर्स इकोनॉमिक्स में अगर किसी को गिटी लगी है तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी गिटी क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आप लोग का डे 8 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।